शॉर्ट ब्रेक दे दीजिए। मेरा नाम सूरज है, मैं बारसिलोना का निवासी हूँ। मैं अभी आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर का छात्र हूँ और अभी हाल ही में मेरा एडोबे कंपनी में एफडी के तौर पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो बीटेक पूरी होने पहले से अब सिलेक्शन हो गए, अपने पैकेज के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? जी, मेरा पैकेज साल का 40,000 रुपए है। तो आपको जेई की इंटरेस्ट कहाँ से मिली? जी, मैं 10वीं और 12वीं क्लास में एलबी स्कूल में पढ़ता था, तो वहीं से मेरे को अनिल सर और कविता मैडम से जेई की इंस्पिरेशन मिली। तो जो बच्चे अब तैयारी करना चाहते हैं जेई की, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि एक तो जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल पड़े हैं, तो ये चीजें होती है शॉर्ट टर्म के लिए, इससे आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट अच्छे से कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका बेनिफिट नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आईटी में ट्रेनिंग कर पाते हैं। मेरे ख्याल से जैसे कि मेरे को अनिल सर ने पढ़ाया है, अनिल सर बेस्ट है, अनिल सर से के आप ट्रेनिंग में पढ़ोगे तो फिर आपके साथ ही सफल रहेंगे, आप जेई में ट्रेनिंग कर पाओगे। तो कोई एवरेज स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहे तो क्या कर सकता है इसकी तैयारी? जेई का एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ये है कि आपको स्टेप वाइज में अंदर में तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको एक अच्छे टीचर की देखरेख में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको स्टेप वाइज 2 साल तक लगातार बिना डिस्ट्रक्शन के कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो जाके 2 साल बाद आप ये कह पाएंगे कि हाँ जेई का इतना मुश्किल नहीं है, जेई का इतना आसान है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अपनी तैयारी आपने कहाँ से की तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अनिल सर की अंडरटेकिंग में तैयारी करी थी, एलबी स्कूल में पढ़ा था मैं, और मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, अनिल सर का, मेरे माता पिता जी का, मीना मैडम का, जो इन्होंने मेरे को उसकी मार्गदर्शन किया और आज मैं एक अच्छी जगह पर जाकर फील करता हूँ। तो लास्ट में आप हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों से संदेश देना चाहूंगा कि वो लगातार तैयारी करते हैं अनिल सर की देखरेख में,